लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दुनिया भर में आए दिन कोई न कोई अजीबोगरीब खोज होती ही रहती है। कभी जमीन की खुदाई में कुछ निकलता है तो कभी समुद्र की गहराई में हुई खोज हमें चकित कर देती है। हाल ही में एक बड़ी खोज हुई है जिसकी चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। हम आज आपको इस खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लोग पत्थर समझ रहे थे, लेकिन वो पत्थर नहीं बल्कि 10,000 साल पुराना कुछ और ही था। जोस अंटोनियो निवास नाम के एक शख्स ने इस तस्वीरों को साझा किया है। जोस उस वक्त क्रिसमस के दौरान बुनस एयर्स में अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मना रहे थे। उनका यह फार्म हाउस समुद्र तट से थोड़ी सी ही दूरी पर है और अक्सर समुद्र से कुछ न कुछ बहकर उनके फार्म तक पहुँच जाता है। ये पत्थर जैसी चीज दिखने वाली चीज भी बहकर फार्म में आकर लग गई थी। तभी इसे स्थानीय लोगों ने देखा और पत्थर समझ सोच में पड़ गए, लेकिन यह पत्थर नहीं था। जबकि फार्म हाउस का मालिक इसे पत्थर नहीं बल्कि डायनासोर का अंडा समझ रहा था और उसने इसीलिए इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। यह मामला अर्जेंटीना का है। दरअसल वो पत्थर नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक स्तनपायी जानवर का खोल था, लेकिन उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अब तक उसे पत्थर ही समझ रहे थे। हालांकि जब स्थानीय लोगों द्वारा इस बात का पता प्रशासन के साथ लोगों ने इस बात की ठीक से जांच की और कई सारी फोटो भी निकाली। कुछ ही समय के बाद जब वो लोग वापस अपने घर गए और सोशल मीडिया पर वो फोटो पोस्ट की, तब उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर डीआर रोस मैकफी ने वो फोटो देखी। फोटो देखते ही उस प्रोफेसर के पसीने छूट गए। वो सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर उस प्रोफेसर ने ऐसा क्या देखा उस फोटो में। उस प्रोफेसर ने अचानक उन छात्रों से पूछा कि ये तस्वीर कहाँ की है। जगह का पता लगने के बाद वो प्रोफेसर अपनी टीम लेकर उस जगह पर गए तो देखा तो वो पत्थर उस जगह पर नहीं था। वो पत्थर अचानक कहीं गायब हो गया था, जैसे अचानक समंदर उन्हें निगल गया हो। लेकिन उस प्रोफेसर को वहीं पर एक टूटी हुई शेल मिली जो कि उसी पत्थर की बची हुई थी। इसी शेल से इस बात का पता लगाया गया कि वो अंडा एक डायनासोर का नहीं बल्कि स्तनपायी जानवर का खोल था। मुमकिन है, आखिर उस प्रोफेसर ने ऐसा क्या देखा उस फोटो में। उस प्रोफेसर ने अचानक उन छात्रों से पूछा कि ये तस्वीर कहाँ की है। जगह का पता लगने के बाद वो प्रोफेसर अपनी टीम लेकर उस जगह पर गए तो देखा तो वो पत्थर उस जगह पर नहीं था। वो पत्थर अचानक कहीं गायब हो गया था, जैसे अचानक समंदर उन्हें निगल गया हो। लेकिन उस प्रोफेसर को वहीं पर एक टूटी हुई शेल मिली जो कि उसी पत्थर की बची हुई थी। इसी शेल से इस बात का पता लगाया गया कि वो अंडा एक डायनासोर का नहीं बल्कि स्तनपायी जानवर का खोल था की बची हुई थी। इसी शेल से इस बात का पता लगाया गया कि वो अंडा एक डायनासोर का नहीं बल्कि स्तनपायी जानवर का खोल था।